हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सब दा साडे चैनल विच। आओ अज दी नवी वीडियो बारे गल करदे हां। बीते दिन ही बीजेपी दे स्पोक्स परसन संबित बात्रा वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू लई तिखी बयानबाजी सामने आई सी, जिस तों बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बयानां विच दसदे होए कई गल्लां स्पष्ट कीतियां सन, ते ओह गल्लां करदे नवजोत सिंह सिद्धू दे अक्खां विच हंझू वी आ गए सन। ओह सारे बयान की सन आओ तुहानूं वीडियो विच दसदे हां। सब तो पहले दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ संबित पात्रा ने बयान देंदे कहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू कौन होंदा है सिखां दा नुमाइंदा बनने वाला। नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान विच कहा सी कि मैं अज अपने करोड़ों सिखां वीरां दी आवाज़ बन के आया हाँ, जिस ते संबित पात्रा ने लाइव होकर इतराज जताया सी ते कहा सी कि सिद्धू नूं किसने हक दिता कि वह सिखां दी आवाज़ बन सके, अपने आप ही सिखां दा वह मालिक क्यों बन रहा है। इस बयान नूं लैके इंटरनेट ते बहुत तड़थली मच गई, क्योंकि पंजाब के लोग नवजोत सिंह सिद्धू का रज के समर्थन कर रहे हैं। तो उस समय संबित पात्रा के इस बयान ने पंजाबियों के मनों में ठेस पहुँचाई, जिससे सारे पंजाबी संबित पात्रा के खिलाफ हो गए, तो वह भी काफ़ी कुछ बयान दे रहे हैं। जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बयान दिता तो उन्होंने समर्थक भी पिछे नहीं हैं। नवजोत सिद्धू के समर्थकों का कहना है कि संबित पात्रा कोई भी नहीं पुछता, तो वह सिर्फ लाइमलाइट पाने लिए अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने लिए नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना कस रहा है, क्योंकि इस समय पंजाब विच नवजोत सिंह सिद्धू एक ब्रांड बन चुका है। तो वह संबित पात्रा नवजोत सिंह सिद्धू के नाम के तवे से अपनी रोटी सेकना चाहता है। उत्थे सूत्रों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू के अनऑफिशियली गल करते कहा कि मैनू संबित पात्रा के ऐसे बयानों नाल ठेस पहुंची तो है, इसलिए मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहता, पर सच पुछो तो मैं कोई भी फर्क नहीं पैंदा कि कोई मेरे बारे की बोलता है तो की नहीं बोलता। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि मैनू बाबे नानक ने बहुत इज्जत दी, तो लोगों के दिलों का प्यार भी दिता, जिस नाल मेरे अंदर होर भी सेवा करने का बल आया है, तो मैं इदा ही अपने गुरु घर की सेवा करता रहांगा। सूत्रों तो यह भी पता लग्या कि उन्होंने अपने गुआंढी मुल्क पाकिस्तान की भी बहुत तारीफ की, प्रधानमंत्री का भी बहुत धन्यवाद किया, तो कहा कि उन्होंने पंजाब का जो साथ दिता है, पंजाब लिए जो काम किया है, वह असं कदे भी नहीं भुल सकते। तो उन्होंने एक इतिहास रचा है जिसनों इतिहास में सुनहरी अक्षर में लिखा जाएगा। लांघे की गल करते करते नवजोत सिंह सिद्धू की अखों में अथरू आ गए, तो अपने आप को रोक ना सके, तो उतों उठ के चले गए। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू वह शख्स हैं जिन्हां ने पंजाब का लांघा खलवाउण बदले अपना मंत्री पद की कुर्सी ते अपनी इज्जत तक नूं दाव ते लगा दिता, क्योंकि पाकिस्तान जाणते सारे ही लोग, पंजाब के सारे लोग सिद्धू के खिलाफ हो गए सन, पर किसी नूं वी इह नहीं सी पता कि नवजोत सिंह सिद्धू असल विच पंजाब का सुपना पूरा करने ही पाकिस्तान गए सन, ते उत्थों दे फौज के मुखी बाजवा नूं जफ्फी भी पाई सी। आखिर उही होया कि उन्हां दी कुर्बानी रंग लियाई ते लांघा खुल गया। अज पंजाब दा हर दिल नवजोत सिंह सिद्धू दा धन्नवादी है, तो उन्हां दा गुण गा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो किया है पंजाब वास्ते वो कदे भी कोई नहीं कर सकता, तो ना ही कभी कोई भुल सकता है। पंजाब के कई मंत्री उन्होंने खिलाफ बयानबाजी करके अपनी पड़ास कट रहे हैं, पर तुसी दोस्तों की सोचते हो कि यह सब करने पिछे इन्हों मंत्रियों का की मकसद है, तो वह क्यों कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर दसना। इस वीडियो दोस्तों वध तो वध शेयर करना ताकि होर लोगों को भी पता लग सके कि संबित पात्रा के बयान का जवाब दिंदिया होया नवजोत सिंह सिद्धू की अखों में हंझू क्यों आ गए, तो उन्होंने अपने बयानों में की कहा। साडे चैनल दे आने वाले होर नवे वीडियोज़ देखने लिए चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना, नोटिफिकेशन बैल का आइकन भी ऑन कर देना। धन्यवाद दोस्तों।